नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे स्टेबलाइजर की, 92440 नहीं 92300, और इसके बाद में हम 440 की भी आपको डाटा बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले कैच वीडियो देखे होंगे तो सोचे होंगे कि इसमें क्या है, 92300 का तो बहुत सारे डाटा मौजूद है और हमने भी काफ़ी बताया है। तो दोस्तों, ये कुछ डिफरेंस है और यकीन मानिए, इस डाटा पर आप काम कीजिएगा तो आपको जरूर मजा आएगा और अपने एक्सपीरियंस को जरूर कहिएगा। तो आप ज़्यादा बड़ा ना होते, एक सिर्फ एक ही बनाकर इस पर ट्राई कीजिए इस डाटे पर। और ये पूर्णतः डिजिटल किट में है, हाई कट, लो कट और टाइमर के साथ में। तो अगर आप इस डाटा को देखेंगे तो कुछ डिफरेंस दिखेगा और आपको बनाने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप मैकेनिक्स का काम करते हैं और बहुत सालों से काम कर रहे हैं, वही काम करते करते बोर हो गए हैं, तो दोस्तों हर काम में कुछ नयापन लाना चाहिए। जैसे कुछ लोग वायरिंग अलग डिजाइन की करते हैं, कुछ और चीज़ें अलग डिजाइन करते हैं, जैसे कि समय समय पर लोग बॉडी चेंज कर देते हैं, स्टेबलाइजर इन्वर्टर अगर असेंबल करते हैं। तो इस तरह हर कंपनियों के साथ साथ हर लोग डिजाइनिंग इत्यादि बहुत सारी चेंजिंग करते हैं। अभी जो डिजिटल किट का उपयोग हो रहा है वो भी लगभग पुरानी हो चुकी है, लगभग 6-7 साल पुरानी हो चुकी है। तो दोस्तों, अब कुछ नयापन चाहिए तो नयापन लाइए, आइए हमारे चैनल पर, देखिए नयापन आपको मिलेगा। दोस्तों, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही स्टेबलाइजर की तरह वर्क करेगी जो आप डिजिटल यूज करते हैं। सिर्फ इसमें क्या है कि सिर्फ इसमें डिटेल अंतर है और इसमें थोड़ी सी वायरिंग अंतर है, और बाकी सेम टू सेम वर्क करता है। तो दोस्तों, चलिए अब ज़्यादा बातें न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या है, सबसे पहले ये देखिए कि जब भी आप ट्रांसफार्मर रिवाइंड करते हैं या असेंबल करते हैं, तो जो शुरू की होती है वो आपकी प्राइमरी होती है और जो लास्ट की होती है वो सेकेंडरी होती है। और अक्सर शुरू वाले जो आपकी प्राइमरी है उसको हम लोग निगेटिव में डालते हैं, लेकिन इसको इसमें उल्टा है, जो लास्ट होती है उसको हम लोग रिले पर इत्यादि या आउटपुट की सप्लाई लेते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल ठीक उल्टा कर दिया गया है। और चलिए अब हम देखते हैं कि इसकी कोर और ट्रांसफार्मर और कनेक्शन की ओर। तो दोस्तों, ये 90 से 300 वोल्ट तक में वर्क करेगी, यानी कि 90 वोल्ट से नीचे हो तो लो बैटरी लो कट में आपको बंद कर देगी और 300 वोल्ट में ये हाई कट कर देगी। चलिए इसकी कोर नंबर को बात करते हैं, तो कोर नंबर 7 नंबर का यूज किया गया है, जबकि बॉबिन साइज है 7 नंबर 2 इंच। जो इसमें वायर का उपयोग किया गया है वो 17 नंबर है, और जो आप उपयोग करेंगे रिले का उसमें 15 एम्पियर या 20 एम्पियर का रिले का आप उपयोग कर सकते हैं, वो भी 24 वोल्ट में। तो चलिए अब इसके ट्रांसफार्मर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो ट्रांसफार्मर है उसमें आपको जब शुरुआत करते हैं 0 टर्न से, उसके बाद सेकेंड अगली लूप निकालनी है 60 टर्न, उसके बाद अगली लूप निकालनी है 121 टर्न, उसकी अगली लूप निकालनी है 206 टर्न, ये आप देख सकते हैं कि, और उसके बाद जो लास्ट लूप निकलेगी 291 टर्न, और जो लास्ट लूप निकलेगी उसे हमने न्यूट्रल में डाल दिया है, जबकि 0 टर्न ये है, और उसके बाद आप देख सकते हैं। और इसको जो ट्रिगर जो है वो 30 टर्न रहेगी, और इसकी गेज आप 26 नंबर 25 नंबर कोई भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि मैंने पहले भी काफ़ी डिटेल बताया है। तो चलिए अब इसकी हम कनेक्शन वायरिंग डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आपको कनेक्शन की ओर देखनी है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 4 रिले का उपयोग किया गया है, और इनकी कनेक्शन थोड़ी सी हेर फेर की गई है, क्योंकि मैं पिछले बहुत सारे वीडियो में आपको अलग डिजाइन की कनेक्शन दिखाता था, इसमें थोड़ी सी अलग डिजाइन की है, जबकि अलग डिजाइन की नहीं, जो आप पुराना जो इस्तेमाल करते थे पहले के जो डायग्राम बिल्कुल वही है। तो अब दोस्तों ये देख लीजिए, ये है कनेक्शन, तो देखिए आप RL2, 3, 4, 1, 4 रिले का इस्तेमाल किया गया है, तो देख सकते हैं कि ये RL2 के
कॉमन में हमने इनपुट सप्लाई दी गई है, जबकि उसकी एनसी से आपको 206 वाली टेपिंग पे जोड़ दी गई है, और उसकी एनओ से आपको RL1 के कॉमन में जोड़ी गई है, जबकि RL1 की जो एनसी है वो 121 यानी 121 टन वाले टेपिंग पे जोड़ दी गई है सीधे, और उसके जो एनओ है RL1 की वो आपको RL3 की एनसी पे जोड़ दी गई है, शॉर्ट कर दी गई है, और उसकी कनेक्शन जो है RL3 की एनसी की वो 0 टर्न वाली लूप से जोड़ दी गई है, और जो RL3 की एनओ है वो जोड़ दी गई है 60 टर्न वाली लूप पर, और जो उस RL3 की कॉमन है वो RL4 की कॉमन में जोड़ दी गई है, और RL4 की एनओ से सप्लाई ले ली गई है। तो ये RL4 आउटपुट सप्लाई हो गई, जबकि RL2 इनपुट सप्लाई की रिले हो गई। तो दोस्तों ये कनेक्शन ऐसे ही है, और पहले आपकी RL4 ऑन होगी, उसके बाद RL3 ऑन होगी, उसके बाद RL2 ऑन होगी, उसके बाद RL1 अंत में ऑन होगा। तो दोस्तों ये थोड़ी सी अलग डिजाइनिंग हो गई, और इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो जनरल वर्क करते हैं, बहुत सारे लोग वो इस थ्योरी को समझ नहीं पाएंगे, और जिससे आपकी एक तरह से मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये डायग्राम और ये डाटा पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में आप देखेंगे 3 KB 5 KB इत्यादि का। तो दोस्तों ये मैं 6 महीने से मैं उपयोग कर रहा हूँ, और परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।